हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग के बारे में, और ये जानेंगे कि मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग क्यों जरूरी है और मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए और इसकी क्या अहमियत है। हम सब एक एक करके सब जानेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है, और पहले हम ये जानेंगे कि क्या कंडीशन बनती है जब हमें मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग के बारे में, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर मैं टॉपिक का नाम दे देता हूँ, मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग, ठीक है। सो मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग से ही आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मैं मल्टीपल स्ट्राइक लेने वाला हूँ, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि जो अपना बैंक निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी करंट उसका जो स्पॉट है वो चल रहा है 52,000, ठीक है, करंट स्पॉट। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि मैंने जो ट्रेडिंग सेटअप जो मैंने बनाया है, जो मेरा स्ट्रैटेजी है, चाहे वो डेटा बेस्ड हो, टेक्निकल बेस्ड हो, ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं ट्रेंड को एनालाइज करूँगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक कौन से ट्रेंड में जा सकता है, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर मैंने एनालाइज किया और ये अप ट्रेंड में जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास दो तीन ऑप्शन होते हैं कि मुझे ऑप्शन यहाँ पर कौन सा बाय करना चाहिए। यहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर मुझे सिंगल ऑप्शन बाय करेंगे तो यहाँ पर मैं ATM बाय करूँगा, ठीक है। ATM का फ़ायदा यही होता है कि उसका जो डेल्टा होता है 0.5 होता है, तो मतलब थोड़ा 50 पॉइंट भी मूव करेगा तो अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा तो यहाँ पर आपको 50 पॉइंट मिलने की संभावना होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ATM ऑप्शन रहेगा अगर मैं सिंगल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर बाय करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अलग अलग लेवल्स होते हैं, राइट, अलग अलग। ये मैं ATM का बाय करूँगा एक, फिर ये मैं 52,100, ठीक है, जो कि एक OTM का ऑप्शन है, यहाँ पर 52,200, यहाँ पर 52,300, ठीक है, ये कॉल ऑप्शन में बाय करूँगा, ये जितने भी है इसके कॉल ऑप्शन में बाय करूँगा, राइट। और यहाँ पे आपको नीचे भी एक आएगा 51,900, 51,800 और 51,700, जो कि ये ITM का कॉल ऑप्शन होगा, ठीक है। तो मैं तीनों में से कोई भी मैं बाय कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल स्ट्राइक है, ठीक है, 52,300, 52,200, ये सारे स्ट्राइक अपने कॉल ऑप्शन के, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर पुट ऑप्शन को अगर बाय करना है, ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे पुट ऑप्शन को बाय करना है, तो यहाँ पर सेम होगा, ये आपका ATM होगा पुट ऑप्शन का, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल स्ट्राइक है, ठीक है, चलिए दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये होगा आपका 52,100, 52,200 और ये 52,300, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, पुट ऑप्शन होगा, राइट। तो ये OTM होगा, ये OTM नहीं होगा, ये आपका ATM होगा, ठीक है, ये आपका ITM होगा, ये आपका ATM है और यहाँ पर आपका OTM ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो ATM ITM में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आप उसको देख सकते हो, ठीक है, कि ATM होता क्या है, OTM क्या होता है, ITM क्या होता है। मैं एक सिंपल टर्म में समझाना चाहूंगा, टेक्निकल टर्म यहां पर मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा, कि ATM वो होता है जिसमें स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस सेम होता है, OTM वो होता है जिसमें स्ट्राइक स्पॉट से ज्यादा होता है। मैं सिंपल आपको एक सिंपल लाइन में मैं बता देता हूं कि ATM ITM क्या होता है। OTM वो होता है जो आप स्पॉट में अचीव करना चाहते हो, जब आप एक फोरकास्टिंग कर रहे हो कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, वो आपका OTM का स्ट्राइक होगा, मतलब वो वाला अगर ऑप्शन खरीद रहे हो तो आपका OTM हो गया। करंट प्राइस से जो आपका टारगेट है वहाँ के बीच में जो आपका ऑप्शन है वो आपका कॉल ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपका OTM है, ठीक है। इसके नीचे जो भी आप खरीद रहे हो, जो पहले से अचीव हो चुका है, वो आपका ITM है, करंट वाला ATM है, ठीक है। सिमिलरली पुट ऑप्शन का यही है कि जहाँ नीचे मार्केट जा रहा है, जो आपको टारगेट लग रहा है, करंट प्राइस से टारगेट तक का जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपका OTM पुट ऑप्शन है, ठीक है। पीछे जो ऑलरेडी अचीव होगा, जहाँ से गिर गिर के आ रहा है, वो आपका ITM है, करंट जहाँ है वो आपका ATM है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, ये आपका ATM ITM एंड OTM आपका स्ट्राइक्स है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा कि ये मल्टीपल ऑप्शंस में यहाँ पर बाय कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें ट्रेड करना है,
कि मैंने एक जो भी मैंने एक आइडेंटिफाई किया है ट्रेंड, मान लीजिए कि मैंने ऊपर की ओर कोई आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज है, चाहे वो डेटा बेस्ड हो चाहे वो टेक्निकल बेस्ड हो, ठीक है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, मैं ज़्यादातर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करता हूँ। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो मैं यहाँ पर दो तीन जो स्ट्राइक है वो खरीद सकता हूँ। एक मैं OTM का ले सकता हूँ, ATM का ले सकता हूँ, ITM का भी ले सकता हूँ। ध्यान रहे OTM आपका थोड़ा महंगा रहेगा, ATM थोड़ा मॉडरेटली महंगा रहेगा, मतलब ATM ज़्यादा महंगा भी नहीं होता लेकिन सस्ता भी नहीं होता, ITM हमेशा महंगा होता, वो आपको हमेशा महंगा ही मिलेगा, ठीक है, दोनों सूरत में, ठीक है। अभी चलिए ये तो हो गया कि मल्टीपल स्ट्राइक आपने समझ लिया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए कि हम क्या ऑब्जर्व क्या करते हैं, ठीक है। मल्टीपल स्ट्राइक आपने देख लिया यहाँ पे, ठीक है, कि मल्टीपल स्ट्राइक होता क्या है। मैं यहाँ पर कोई भी स्ट्राइक मैं खरीद सकता हूँ, जब भी मुझे यहाँ पर ट्रेड करना होगा मैं 3 स्ट्राइक खरीद सकता हूँ, राइट। तो मेरे पास ऑप्शन रहेगा, चाहे कॉल हो या पुट हो, मैं एक ATM ले सकता हूँ, मैं एक OTM ले सकता हूँ, मैं एक ITM भी ले सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास तीनों ऑप्शन होगा, मैं तीनों ले लेता हूँ, ठीक है। अभी एक बात आपको जानने की ज़रूरत है कि जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। आपने क्या देखा कि IV भी ठीक है, बराबर है, मॉडरेटली जो IV है वो मॉडरेट चल रहा है, तो मैं कहूँगा मॉडरेट है, ठीक है। और ये सारे आप ऑप्शन आप देख रहे हो, ठीक है, ATM है, ITM है, OTM, ठीक है। कभी कभी आपको क्या दिखेगा कि आपने जो भी ऑप्शन लिया है, चाहे वो ATM हो, ITM हो, ठीक है, जो करंट स्ट्राइक आपने लिया है, मान लीजिए अभी ये 52,000 का स्ट्राइक है और इसी के साथ साथ 52,100 का स्ट्राइक है और यहाँ पर 52,200 का स्ट्राइक है, ठीक है। आपने ये तीनों का कॉल ऑप्शन आपने देखा, ठीक है, आप तीनों में से कोई एक ले रहे हो, चाहे आप यहाँ पर ITM ही क्यों ना ले रहे हो, ठीक है। आप कभी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आपने ये ITM में कोई भी लिया है, ठीक है, कि प्राइस उतना मूवमेंट कर रहा है, मतलब जो स्पॉट है वो ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन आपका जो ऑप्शन है, आपका जो ऑप्शन है, आप देखोगे कि उसमें मोमेंटम मतलब ज़्यादा डिस्टेबलाइज है, या फिर देखोगे कि वो उतना खास मोमेंटम दे नहीं रहा है, ठीक है। और वहीं पर आप ये ऑब्जर्व करोगे कि ये वाला नहीं गया लेकिन ये वाला अच्छे से भाग गया, ये वाला भी अच्छे से भाग गया, ATM नहीं भागा, या फिर ATM बहुत अच्छे से भाग गया, OTM नहीं भागा, या ITM अच्छे से नहीं भागा। मतलब ये है कि पहला आपको जो मूवमेंट है वो आपको यहाँ दिखा, इसमें भले बाद में दिखा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लैप्स हो जाता है। आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा, ये मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि कई बार जो अगल बगल का जो स्ट्राइक रहता है वहां पे आप देखोगे कि एक स्ट्राइक नहीं भागा, दूसरा स्ट्राइक भाग गया है, ठीक है। मतलब ये है कि भागने में टाइम लगाया है या फिर वो नहीं भागा है, थोड़ा सा टाइम उसमें डिले हो गया। तो इससे होता क्या है कि मुझे प्रॉफिट दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, और दूसरी बात है कि वहां पर सस्टेन करने में भी टाइम लगता है कि यहाँ पर जो मैंने प्राइस लिया वो सस्टेन भी कर रहा है कि नहीं। क्योंकि कई बार देखो कि ये जितने भी आप देख रहे हो स्ट्राइक है, इसमें कोई एक ऑप्शन जो रहेगा पर्टिकुलर प्राइस पे सस्टेन नहीं करता है, ठीक है। मतलब ये है कि देखिए, अगर जो अपना बैंक निफ्टी है, मान लीजिए कैंडल इतनी बड़ी बनी, ठीक है, और ये बनी 50 पॉइंट की, तो यहाँ पर क्या क्या होगा कि कई बार जो ऑप्शन है वो जो 50 पॉइंट का जो यहाँ पर कैंडल बना ना, ये आप देखो कि बहुत अच्छा पॉइंट का बनता है, ठीक है। हालांकि मतलब ये होगा कि जो ATM वाला होगा ये मान लीजिए कि आपको 30 पॉइंट का बना है, ठीक है, वहीं पर ITM है वो आपको 25 पॉइंट का दे रहा है, OTM जो है वो भी इसी के आसपास दे रहा है 20 के पास, ठीक है। ऐसा कभी कभी एक कंडीशन होता है जो मुझे कभी कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। कभी कभी आप ये भी देखोगे कि ये बहुत अच्छा भागा है, ये भी भागा है, ये नहीं भागा है, तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन कई बार देखोगे कि ये अच्छा भागा है, ये 40 पॉइंट दे दिया, डेल्टा इसका अच्छा है, ये वाला जो है ये उतना अच्छा नहीं दिया, ये वाला अच्छा भाग गया, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कई बार देखोगे कि सेम होता है। तो ये होता कैसा है, जनरली आप देखोगे जो लोगों का इंटरेस्ट होता है एक पर्टिकुलर ऑप्शन में, उसके वजह से होता है। मतलब ये कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो यहाँ पर क्या करें, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब वहाँ पर मुझे OI डेटा देखना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर मैंने नाम दिया मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग। तो मैं मल्टीपल स्ट्राइक OI देखूंगा कि मल्टी स्ट्राइक OI में क्या कंडीशन चल रहा है। कितनी बार आप देखोगे मल्टी स्ट्राइक OI में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है वो सब है तो ठीक है, लिक्विडिटी मुझे दिखती है, लेकिन कई बार आप इसमें क्या देखोगे कि खास करके आप अगर 3-4 स्ट्राइक आपने लिया है तो किसी एक दो में आपको बहुत अच्छा मूव मिलेगा,
क्योंकि उसमें अचानक से कुछ एक्टिविटी हुई या अनयूजुअल एक्टिविटी, या फिर मैं कहूँगा कि अचानक से वॉलेटिलिटी उसमें बढ़ जाती है, तो उसका प्राइस बहुत जल्दी भाग जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग करोगे तो आपका फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले आपको बताया कि मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, मल्टी स्ट्राइक क्या क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि कंडीशन कब अराइज होती है। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके का कंडीशन बनता है। ठीक है, कई बार प्राइस वहाँ पर नहीं जाता है। अभी ये कंडीशन जो मतलब कंडीशन जो बनती है, इसमें मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूँगा। ज़्यादातर ये कंडीशन आपको कहाँ पर दिखेगी, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ज़्यादातर ये दिखेगा जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, एक पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेशन जोन पर है, वहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखेगी। ठीक है, तो वहाँ पर मुझे मल्टी स्ट्राइक लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि ये मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग होती क्या है, मैंने आपको ये भी बताया कि कंडीशन क्या क्या बनती है, मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से मैं इसमें ले सकता हूँ, और ये भी मैंने आपको बताया कि कंडीशन क्या बनती है, कब इसको ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, अभी हम एप्लीकेशन पर जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग एक्चुअली मैं किस तरीके से कैप्चर कर सकता हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम एनालाइज में जाएंगे। यहाँ पर मल्टी स्ट्राइक ओआई आप देख रहे हो चार्ट्स में। ठीक है, मल्टी स्ट्राइक ओआई, तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल स्ट्राइक आपको आएगा। वो स्ट्राइक आप खुद से ऐड कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट भी आता है, ऐड भी कर सकते हो। मान लीजिए आप कॉल और पुट साथ में ले रहे हो तो वो भी आएगा, अगर सिर्फ कॉल का डेटा ले रहे हो तो सिर्फ कॉल भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पर लगा रखा है निफ्टी का है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन सा यहाँ पर स्ट्राइक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17 अक्टूबर का जो एक्सपायरी है वहाँ पर 25,000 का कॉल है, फिर 25,000 का पुट है, फिर 25,050 का कॉल है, 24,950 24,950 का यहाँ पर पुट ऑप्शन है, 24,950 का कॉल भी है और 25,050 का पुट भी है। मतलब मेरे पास क्या है कि सिर्फ जो एक ही पर्टिकुलर स्ट्राइक है उसका दोनों है, कॉल और पुट दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे येल्लो वाला जो है वो आपका कॉल है। ठीक है, येल्लो वाला कॉल है, ब्लू वाला लाइन जो है वो भी कॉल ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि ये पर्पल वाला लाइन है, ये भी आपका कॉल ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जब मार्केट यहाँ पर मूव करने की शुरू किया, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, 1 मिनट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर कॉल ऑप्शन जो 25,000 का कॉल है वहाँ पर आप देख सकते हो कि ओआई कितना है। यहाँ पर मुझे 58 लाख दिख रहा है और जो 25,050 है उसका उसमें मुझे ओआई 33 लाख दिख रहा है और 950 का जो कॉल है वहाँ पर 11 लाख दिख रहा है। अभी इसको थोड़ा मैं आगे शिफ्ट करता हूँ तो वो देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा वहाँ पर गिरा है और आगे फिर देख सकते हो वापस से बढ़ना शुरू किया है। ठीक है, जब वो बढ़ना शुरू किया है तो यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट देखिए। ठीक है, प्राइस का मूवमेंट देखिए, यहाँ पर देखिए 25,000 का जो कॉल है इसमें ओआई देखिए कितना बढ़ गया। ठीक है, और यहीं पर 25,050 का जो कॉल है उसमें आप देख सकते हो कि उसमें भी ओआई मतलब साइमल्टेनियसली थोड़ा बढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 25,050 का जो है इसमें ओआई उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। मतलब ये जो हमने एक ITM का जो कॉल ऑप्शन है उसमें कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। मतलब ये है कि उसमें प्रीमियम थोड़ा आपको महंगा मिल रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन उतना ज़्यादा नहीं मिल रही है जितना आपको इसमें मिला है। तो ये जब ये ओवर पार्टिसिपेंट ज़्यादा करते हैं, फ्लक्चुएशन जल्दी मिलता है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो डिज़ायर टारगेट वो जल्दी मिलने की संभावना होती है। या फिर मान लीजिए जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए मल्टी स्ट्राइक ओवाई बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से देखकर वो इजीली टारगेट ले सकते हैं कि किसमें मुझे ज़्यादा मुझे ओवाई का मोमेंटम हो रहा है, जिसके वजह से वो कॉल ऑप्शन जल्दी भागने की फिराक में रहेगा। मतलब क्या रहेगा, थोड़ा सा टाइम डिफरेंसेस आ जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आगे देखोगे कि ITM नहीं भागा, OTM बहुत भाग गया, ATM भाग गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, थोड़ा सा टाइम डिफरेंसेस आता है। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा टाइम डिफरेंसेस आता है, एट दी एंड वो रिजल्ट वो लोग देते ही है। ठीक है, अभी ये जो है इसमें ओवाई का उतना खास चेंजेस इसलिए भी नहीं आता है बिकॉज वो ITM है, काफ़ी महंगा है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप ATM पे देखोगे और यहाँ पर OTM के उसके मुकाबले देखोगे तो मुझे डिफरेंसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्राइस डिस्कवरी आपको ज़्यादा मिलती है। इससे ये भी होगा कि वहाँ पर आप ये चीज़ देखोगे कि जो मोमेंटम है थोड़ा सा मुझे मतलब स्टेबिलिटी थोड़ा मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छी मिलती है। तो इससे ये होगा कि आप जब उसमें ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो जल्दी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के भी चांसेस है, टारगेट भी जल्दी मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मल्टी स्ट्राइक ट्रेडिंग करना मेरे लिए फायदेमंद है। ठीक है, अगर मेरे पास अच्छा कैपिटल है तो एज ए ऑप्शन बायर मैं पर मल्टी स्ट्राइक ले सकता हूँ। ठीक है, तो मल्टी स्ट्राइक में देखिए फायदा ये होता है कि कई बार मुझे अगर सिंगल में सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अच्छे से ले सकता हूँ, अदरवाइज
मैं एक ही स्ट्राइक का सब कॉल और पुट वहां पर बाय करता हूं तो मैं एक तरीके की हेजिंग कर रहा हूं, ठीक है। लोग ऐसा भी करते हैं बट दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक सिंगल ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऊपर जा रहा है तब किस तरीके से मल्टी स्ट्राइक ले सकते हो, नीचे जा रहा है तब किस तरीके से मल्टी स्ट्राइक ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर गुजरात गैस यहाँ पर नाम दिया गया, मैं यहाँ पर उसको दूसरा नाम देता हूँ, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर, जस्ट अ मिनट, लोग ज़्यादातर बैंक निफ्टी लेते हैं, ठीक है। तो 51,900 का यहाँ पर मैं कॉल लेता हूँ, ठीक है, ऐड मैंने किया यहाँ पर 51,800 का यहाँ पर कॉल ले लेता हूँ, 700 का कॉल, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो चेंज मैं चेंज अप्लाई चेंजेस पे करूँगा तो उसके बाद मुझे सारा स्ट्राइक का यहाँ पर डेटा मिलेगा जिसके हिसाब से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, ये 52,000 का है, ये बाकी जो अंडरलाइंग एसेट है ये उनका है जिसमें ज़्यादा कुछ वहाँ पर चेंजेस मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जिसमें मुझे ज़्यादा दिखता है मैं उस पर्टिकुलर स्ट्राइक को मैं ज़्यादा कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो खास करके जैसे एटीएम का लेवल है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओवाई डेटा किस में ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि उसका ओवाई डेटा का फायदा ये होता है कि कई बार आप ये देखोगे कि जो आपने ऑप्शन का डेटा भी यूज़ करो, मतलब आप सिर्फ ऑप्शन का चार्ट आपने लगाया तो ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से अगर ट्रेड करो तो उसमें जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखते हो तो जिसमें ओवाई सबसे ज़्यादा है उसमें आपको ईजिली मतलब ये अचीवेबल होता है कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट है वो सस्टेन करेगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस तरीके से मल्टी स्ट्राइक लगाते हो एटीएम आईटीएम पे तो आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का डायरेक्शन जो कौन डिसाइड करता है, एटीएम या आईटीएम का जो ऑप्शंस होते हैं वही डिसाइड करते हैं, बिकॉज उसमें जो ओवाई में जो चेंजेस आता है वो मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से मल्टी स्ट्राइक ट्रेड करके आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जाने के लिए कौन से जुड़े रहिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।